डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLTE हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्लेग, जिसे ताउन भी कहा जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्लेग। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेग ताउन क्या है। ताउन दरअसल में एक बैक्टीरियल बीमारी है और ये इंसानों में फैलता है एनिमल्स की मदद से। अगर हम बात करें कि इसकी वजह क्या चीज़ बनती है, तो एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, तो वो एनिमल्स में होता है और फिर एनिमल्स से वो इंसानों में मुंतकिल होता है। अगर हम बात करें कि प्लेग जो बीमारी है तो ये कितने अकसाम की है, तो इसकी तीन किस्में हैं। पहली किस्म को कहा जाता है न्यूमोनिक प्लेग, दूसरी किस्म को कहा जाता है बाइबूनिक प्लेग और तीसरी किस्म को कहा जाता है सेप्टिसीमिक प्लेग। अभी बात करते हैं कि ये ताउन की बीमारी इंसानों में कैसे फैलती है। तो इसमें जो बाइबूनिक प्लेग होता है वो चूहों की मदद से फैलता है इंसानों में, और एक ख़ास किस्म के फ्लीज होते हैं जिन्हें पिस्सू कहा जाता है। जब वो इन चूहों को काटते हैं और इन चूहों में मौजूद होता है बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, तो वो उसे उठाते हैं और जाकर जब वो किसी इंसान को काटते हैं तो उनमें इस बैक्टीरिया को मुंतकिल कर देते हैं और उनमें फिर बाइबूनिक ताउन जो है उसका बायस बनते हैं। इसके बाद जो न्यूमोनिक प्लेग है, जो कि लंग्स यानी फेफड़ों का प्लेग और ताउन होता है, तो वो वाहिद ताउन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स की वजह से। जब ऐसे इंसान जिनको न्यूमोनिक प्लेग होता है जब वो खांसते हैं तो उनके मुंह से जो थूक के कतरे निकलते हैं तो उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। कोई भी इंसान जो उनके करीब होता है, सांस लेता है, तो उनमें ये एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं और फिर उनमें न्यूमोनिक प्लेग का बायस बनते हैं। इसके बाद जो सेप्टिसीमिक प्लेग है, तो ये न्यूमोनिक प्लेग और बाइबूनिक प्लेग जो है, तो ये दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं अगर इनका इलाज न किया जाए तो सेप्टिसीमिक प्लेग में मुंतकिल हो जाते हैं। और सेप्टिसीमिक प्लेग एक ऐसा ताउन है जिसमें पूरा खून जो है वो आलूद हो जाता है, गंदा हो जाता है इन बैक्टीरिया से। अभी बात करते हैं कि बाइबूनिक जो प्लेग है उसकी अलामत क्या होती हैं। तो बाइबूनिक प्लेग में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा मरीज़ को सर दर्द की शिकायत होती है, बुखार रहता है, कमज़ोरी जिस्म में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है और इसके अलावा मरीज़ को झटके भी आते हैं। बात करते हैं कि न्यूमोनिक प्लेग में अलामत क्या होती हैं मरीज़ में। तो न्यूमोनिक प्लेग में मरीज़ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, बुखार रहता है, सर दर्द रहता है, सीने में दर्द की शिकायत रहती है, फेफड़ों में पीप भर जाता है, बलगम में खून आता है और खांसी की शिकायत भी रहती है। बात करते हैं कि जब मरीज़ को सेप्टिसीमिया की कंडीशन हो जाती है और सेप्टिसीमिक प्लेग हो जाता है तो उसकी अलामत क्या हैं। तो उसमें मरीज़ की जो जिल्द होती है उसमें गैंग्रीन हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, पेट ख़राब हो जाता है और रहता है, शॉक में चला जाता है मरीज़, पेट में दर्द होता है, बुखार की शिकायत रहती है और बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है मरीज़ को। अब बात करते हैं कि लेबॉर्ट्री में हम ताउन की तशखीस कैसे करेंगे। तो मरीज़ के खून में F1 नामी एंटीजन होता है, उसको देखा जाता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की मदद से। ब्लड कल्चर किया जा सकता है, ग्राम स्टेनिंग और वेसोन स्टेनिंग की जाती है। और ये ग्राम स्टेनिंग या वेसोन स्टेनिंग जो है, तो ये खासकर जिस एरिया में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो जिसमें स्वेलिंग हुई होती है, तो उसमें नीडल की मदद से जो फ्लूइड है उसको निकाला जाता है और लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है स्टेनिंग के लिए। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, इलाइजा टेस्ट कर सकते हैं, और इलाइजा टेस्ट में हम एक एंटीबॉडी का पता लगाते हैं जो कि F1 एंटीजन के खिलाफ होती है। और इसके अलावा कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी अवेलेबल है। बात करते हैं कि ताउन की बीमारी के लिए इलाज क्या है। तो इसी इलाज की बदौलत आजकल ये ताउन की बीमारी जो है, तो ये इतने इंसानों को नहीं मारती, बल्कि बहुत कम ही इंसान शायद ऐसे होंगे जो मर जाते होंगे इस बीमारी की वजह से, वरना इसका बहुत कामयाब इलाज आ गया है और एंटीबायोटिक की मदद से इसका इलाज किया जाता है। तो इसके इलाज में जो एंटीबायोटिक शामिल हैं वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, रिस्पायरेटरी सपोर्ट दी जाती है, ऑक्सीजन मुहैया की जाती है अगर ज़रूरत हो, और कुछ इंट्रावीनस फ्लूइड भी दिए जाते हैं ताकि जो पेशेंट है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।